संगत का असर बहुत मायने रखता है। अच्छी संगत मतलब आप पार निकल जाओगे, बुरी संगत आप फंस के खड़े हो जाओगे। जैसे अगर आपकी पत्नी अच्छी है, आप उसके पास 10 मिनट बैठोगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी बहुत ईजी है, मुझे समझने वाला कोई है। यही अगर आपकी पत्नी ऐसी है कि जिसके पास आपका बैठना 10 मिनट मुश्किल हो जाए, तो आपको लगेगा जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर किसी पीने वाले के पास बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी बहुत आसान है, क्योंकि पियो और गम भूल जाओ। पर वहीं किसी किसान के साथ बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। एक एक दाने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं, सुबह का खाने के बाद शाम को पता नहीं होता है। यहीं अगर साधु संत के पास बैठ जाओगे तो आपको लगेगा जिंदगी में कुछ नहीं है, संन्यास ले लेते हैं, दान कर देते हैं सब कुछ। राजनेता के साथ बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके पास इतनी डिग्रियां हैं और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, इससे अच्छा तो राजनेता बन जाते। किसी जीवन बीमा एजेंट के पास बैठ जाओगे तो आपको क्या लगेगा, जीने से तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि मरने के पास बाद पैसे बहुत मिलेंगे। किसी व्यापारी के पास बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि आपकी कमाई तो कुछ भी नहीं है, लोग एक एक महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपकी कमाई तो इतनी है ऊंट के मुंह में जीरा। और किसी वैज्ञानिक के पास बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि आप में अज्ञानता कूट कूट कर भरी हुई है, आपको तो पता ही नहीं है कि पृथ्वी पे हो क्या रहा है, इस संसार में क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है। किसी अध्यापक के पास बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि अध्यापक ही बनना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को लगता है कि मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा और अपने ज्ञान से मैं लोगों का भला करूंगा। और अगर किसी फौजी के पास बैठ जाओगे तो आपको लगेगा नौकरी और त्याग बहुत छोटी चीज है, क्योंकि फौजी एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलता है, कब क्या हो जाए, कब वॉर हो जाए, कब लड़ाई हो जाए, कब झगड़े हो जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, हर वक्त वो तैयार रहता है। हर वक्त उसे पता है कि उसकी जिंदगी उसकी नहीं है, देश की है। और अगर लास्ट में अगर आप शमशान घाट में बैठ जाओगे 10 मिनट किसी के अर्थी के साथ जाओगे तो आपको लगेगा सब मोह माया है, कुछ नहीं है, हम तो बिना बात की इस जिंदगी से लड़ते रहे, झगड़ते रहे और की आशा करते रहे, लास्ट में तो हमें यही जाना है। तो संगत बहुत मायने रखती है। आप देखिए आपको कौन सी संगत चाहिए, बुरी संगत चाहिए या अच्छी संगत चाहिए। अच्छी संगत में रहोगे तो कुछ कर जाओगे, आप चले जाओगे दुनिया आपको याद रखेगी, बुरी संगत में रहोगे तब भी आपको दुनिया याद रखेगी, पर किस लिए, बुरे कामों के लिए, कि वो था अच्छा मर गया।